सब्सक्राइब कीजिए सत्यप्रकाश रेशु यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज का विषय बहुत ही उत्साहित कर देने वाला है, क्योंकि बुराइयां छोड़ने का आसान मंत्र जीवन में हर कोई व्यक्ति सीखना चाहता है। चाहे कोई किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, किसी भी जाति से संबंध रखता हो और किसी भी क्षेत्र से संबंध रखता हो, क्योंकि जितने लोगों ने इस दुनिया के अंदर बुराइयां छोड़ के अच्छाइयां अपनाई हैं, वे पूजनीय बन गए। चाहे हम वाल्मीकि जी का उदाहरण ले लें और चाहे हम जीवन का कोई भी उदाहरण ले लें, जिन लोगों ने गालियां देनी छोड़ी, जिन लोगों ने चोरी करनी छोड़ी, जिन लोगों ने झूठ बोलना छोड़ा, जिन लोगों ने बेईमानी करनी छोड़ी, वे लोग धीरे धीरे तरक्की करते चले गए, आदर सम्मान पाते चले गए और जीवन में उनकी एक गुडविल बनती चली गई। जो लोग इस दुनिया के अंदर दूसरों की मदद करते हैं और अपनी बुराइयों को छोड़कर दूसरों के माध्यम से अच्छाइयां अपनाते हैं, वे माइलस्टोन बन जाते हैं। बुराइयों को छोड़ने के दो अति महत्वपूर्ण रास्ते हैं, एक अच्छाइयां अपनाओ। लेकिन यदि ये बात समझ में नहीं आई कि अच्छाइयां अपनाकर बुराइयां कैसे छूट जाती हैं, तो मैं आसानी से बताता हूं कि जैसे ही हम अच्छी बातों को अपनाना शुरू करते हैं, अच्छी संगत में जाना शुरू करते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू करते हैं, संतों के बीच में जाते हैं, ज्योतिषाचार्यों के बीच में जाते हैं, कथावाचकों के बीच में जाते हैं, साफ सुथरे लोगों के बीच में जाते हैं, तो हम स्वतः ही बुराइयां छोड़ते चले जाते हैं, अच्छाइयां अपनाते चले जाते हैं। और अच्छाइयां अपनाते क्या चले जाते हैं, अच्छाइयां स्वतः ही हमारे अंदर आती चली जाती हैं। अच्छाइयों को अपनाने के दो महत्वपूर्ण रास्ते हैं। एक रास्ता है गुरु का मार्गदर्शन और दूसरा रास्ता है धक्के खाओ, तकलीफें सहो और तजर्बा करते चले जाओ, अच्छाइयां स्वतः ही आती चली जाएंगी। लेकिन जो लोग इस दुनिया के अंदर गुरु मार्ग को अपनाते हैं, गुरु के चरणों में रहकर अच्छाइयों को स्वीकार करते हैं, वे लोग दिन दोनी चार चौगनी तरक्की करते चले जाते हैं, क्योंकि उनको गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने से सच्चाई का पता लग जाता है और वे बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयां अपनाते हुए आगे 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 और आगे बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग अच्छाइयां अपनाते हैं, वे दूसरे लोगों को उन बुरे कामों से दूर करने के लिए प्रेरणादायी बन जाते हैं। इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जब हम एक दूसरे को समझाते हैं और मार्गदर्शक बन के बुराइयों को छोड़ते हुए दूसरे लोगों को आसानी से अच्छाइयों को अपनाने के लिए प्रेरित कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे एक माँ, एक पिता, एक भाई, एक दादा, एक नानी, एक मित्र, एक पड़ोसी, यही सब काम करते हैं जो हमें इस बात के लिए सदैव प्रेरित करते रहते हैं कि अच्छाइयों को नहीं, अच्छाइयों को अपनाते हुए बुराइयों को छोड़ो और आगे तरक्की के रास्ते पे चलते चले जाओ। आज भारत माँ जिस स्वरूप में है, उस स्वरूप के बदलाव की जरूरत है और बदलाव जब ही संभव है जब हम स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की नीति अपनाएंगे, जब हम आतंकवादियों को प्यार से और प्यार से नहीं मानेंगे, तो नियम कानून से
बदलाव लाएंगे और उनको ये सिखाएंगे कि इस देश को देशभक्तों की जरूरत है, कर्मवीरों की जरूरत है, ओजस्वी लोगों की जरूरत है, कार्यकर्ताओं की जरूरत है, वैज्ञानिकों की जरूरत है, ताकि सब लोग अच्छाइयां अपनाते हुए बुराइयों का त्याग करते हुए इस देश को विश्वमान शक्ति बना सके। हम नमन करते हैं उन देश प्रेमियों को, उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी हमारे स्वच्छ जीवन के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए हमें दी। और आज भी ये समय निरंतर हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि बुराइयों से दूर रहकर अच्छाइयों को अपनाओ और उन महान लोगों के मार्गों पर चलो जिन्होंने बुराइयों से दूरी बना के रखी। बुराई कोई भी हो, चोरी करने की हो, झूठ बोलने की हो, आतंकवाद फैलाने की हो, देशद्रोही की हो, ना पढ़ने की हो, ना काम करने की हो, तो इन सब के परित्याग की जरूरत है, क्योंकि इन सब चीजों का परित्याग ही हमें ऊंचाइयां और ऊंचाइयां और ऊंचाइयां देता है। जब हम बुराइयां छोड़ते हैं, अच्छाइयां अपनाते हैं, जैसे ही हम बड़े होते हैं तो हमें स्वयं भी विजन आने लगता है कि बुराई और अच्छाई में क्या अंतर है, और बुराइयां छोड़ते जाओ, अच्छाइयां अपनाते चले जाओ, देशभक्त बनते चले जाओ, धर्म भक्त बनते चले जाओ, मददगारी बनते चले जाओ, और इतना ही नहीं, जहां बीमार पशु मिले, बीमार पक्षी मिले, उसका इलाज कराओ और देखिए उनका कितना आशीर्वाद, उनका कितना प्यार, उनकी कितनी वैभवता हमें अच्छाइयों के नजदीक ले जाती है। हमें मंदिर में जाके काम करना, हमें खेत में जाके काम करना, हमें प्रयोगशाला में जाके काम करना, हमें उद्योग व्यापार में काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी अंतरात्मा ये सिग्नल दे चुकी है कि आप अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, देशभक्त बन के कर रहे हैं, धर्म भक्त बन के कर रहे हैं, युवा होने के नाते कर रहे हैं, और बुराइयों को छोड़ते हुए अच्छाइयां दिन प्रतिदिन अपनाते जा रहे हैं, अपनाते जा रहे हैं, अपनाते जा रहे हैं। इसलिए मैं पुनः कहूंगा कि बुराइयों को छोड़ने का आसान मंत्र है, अच्छाइयों को अपनाना शुरू करो, महान लोगों के बीच जाना शुरू करो, चहुंमुखी विकास पे चढ़ना तो दूर, बहुत तेजी से आप चढ़ जाएंगे और इस देश के विकास में चार चांद लगा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। रेशु सर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु रेशु एडवर्टाइजर। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत प्रकाश रेशु अग्रवाल, आप हम सब जय हिंद।